lesser strength. Now next topic I am explaining here, discovery of cell. Cell कैसे discover हुआ है? तो देखिए बेटा, in 1665 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नेम क्या था बेटा, रॉबर्ट हुक. ओके, इन्होंने एक बुक को राइट किया था जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया. इस बुक में कुछ रेफरेंस मिले हैं डिस्कवरी से रिलेटेड, किसी डिस्कवरी से रिलेटेड सेल. आइए, बुक किसने राइट की थी? रॉबर्ट हुक ने. तो रॉबर्ट हुक ने अपनी जो बुक राइट की थी जिसका नेम था माइक्रोग्राफिया, इस बुक में उन्होंने सेल की डिस्कवरी के बारे में लिखा है. तो क्या लिखा है बेटा, देखिए उन्होंने रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल. ओके, इन 16 कब डिस्कवर किया था? 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया है. ठीक है, फ्रॉम द कॉर्क. ओके, व्हिच मेड अप ऑफ बार्क ऑफ ट्री. ट्री की बार्क से बना हुआ कॉर्क, उसमें उन्होंने सेल को डिस्कवर किया था. ठीक है, और बेटा ही यूज्ड एंशिएंट माइक्रोस्कोप. उन्होंने एंशिएंट जो बहुत पुराने समय में जो माइक्रोस्कोप होते थे उनका यूज किया था, और उसकी हेल्प से उन्होंने जो कॉर्क थी उसमें उन्हें कुछ कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए. ठीक है, कंपार्टमेंट्स कैसे दिखाई दिए बेटा? जैसे एक बीहाइव जो होता है, ठीक है, मधुमक्खी का छत्ता, उसमें इस तरीके से आप देखें तो ये कंपार्टमेंट्स दिखेंगे. इन्हीं कंपार्टमेंट्स को उन्होंने सेलुला कह दिया. क्या कह दिया बेटा? सेलुला. ओके, इन्हीं सेलुला को बाद में इन्हीं सेलुला वर्ड से क्या ड्राइव हुआ है? सेल. ओके, तो ये जो इस टाइप के कंपार्टमेंट्स उन्होंने किसमें देखे थे? क्वार्क में. क्वार्क लकड़ी से बनी थी. क्वार्क जो किस क्वार्क होता क्या है, मैं आपको पहले भी बता दे रहा हूँ बेटा. पहले क्या होता था कि जो बोतल होती थी उसका जो लिड होता था वो बार्क ऑफ ट्री से बनाया जाता था, और उसी को उन्होंने क्या नाम दे दिया? कॉर्क. ठीक है, जो लिड था उसका क्या नाम दे दिया? कॉर्क. ठीक है, और कॉर्क की उन्होंने थिन स्लाइस कट की, और उस थिन स्लाइस को जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्हें कुछ कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए. उन्हीं कंपार्टमेंट को उन्होंने क्या नाम दे दिया? सेलुला. और सेलुला से ही वर्ड कौन सा ट्राइव हुआ है? सेल. ओके, इंग्लिश में कहते हैं कंपार्टमेंट, और जो ग्रीक लैंग्वेज में से बोलते हैं सेलुला. और बेटा सेलुला जो वर्ड है उसी से सेल वर्ड ड्राइव हुआ है. क्लियर? यस या नो? बेटा तो ये तो इसकी डिस्कवरी से रिलेटेड बात हो गई कि सेल को फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था. तो सेल को रॉबर्ट हुक ने ही डिस्कवर किया था, और 1665 में. ठीक है, और क्वार्क में, क्वार्क से ये डिस्कवर हुआ है. और क्वार्क किससे बनती है? ट्री की बार्क से. और ये डिस्कवरी जो थी उन्होंने जो डिस्कवर किया था वो अपनी बुक में इसको राइट किया था जिसका नेम क्या है? माइक्रोग्राफिया. ठीक है बेटा, तो माइक्रोग्राफिया बुक जो थी उसमें डिस्कवरी से रिलेटेड बातें लिखी हुई है. ठीक, आप बेटा नेक्स्ट इसमें आप बता दे रहा हूँ जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने सेल वाले
ओके जो सेल के अंदर एक नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है सेल वॉल, वो भी प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है और सेल वॉल को भी डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। और सेल टर्म, जो सेल टर्म था उसे भी क्वाइन किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको द टर्म सेल क्वाइंट वाई रॉबर्ट हुक ने टर्म सेल को भी क्वाइन किया था, ठीक। अब नेक्स्ट चैप्टर इसमें आप देखें थोड़ा सा इसकी डिस्कवरी से रिलेटेड कुछ और चीजें, जैसे न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड या वाज डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट ब्राउन ओके। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। अब एक चीज और आपको बता रहा हूं, यहीं पे डेड सेल तो डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, अब लिविंग सेल को डिस्कवर किसने किया? तो बेटा एक साइंटिस्ट आए जिनका नेम था एंटोन वॉन लेवेनहॉक, जो एक साइंटिस्ट नहीं थे इनिशियली, ये एक शॉपकीपर थे, डच शॉपकीपर थे, इनके स्पेक्टिकल्स की एक शॉप थी, ठीक है, चश्मों की दुकान, ठीक है, जिसमें वो जो चश्मे बेचा करते थे, स्पेक्टिकल्स बेचते थे। और उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक लाइट माइक्रोस्कोप को डिस्कवर इन्वेंट किया ओके। तो उन्होंने माइक्रोस्कोप, जो फर्स्ट लाइट माइक्रोस्कोप था, वो डिजाइन किया था, ठीक, किसने? एंटोन वॉन लेवेनहॉक ने, ठीक है। और एंटोन वॉन लेवेनहॉक ने क्या किया, उस माइक्रोस्कोप का यूज अपना जो था छोटी छोटी चीजों को देखने में किया था। तो उन्होंने क्या किया, पॉन्ड का वाटर लेके आए और पॉन्ड के वाटर में उन्होंने कुछ बैक्टीरिया को देखा, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, उसी की हेल्प से स्पर्म्स देखे, स्पर्म्स, ठीक है, तो स्पर्म भी सेल्स होते हैं, हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, ठीक है, जो मेल सेक्स सेल होती है। और दूसरी चीज उन्होंने बेटा बैक्टीरिया को भी जो था सबसे पहली बार उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से ही देखा था, तो बैक्टीरिया सिंगल सेल से ही बना होता है, तो सिंगल सेल से बने हुए लिविंग बींग्स जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, और यूनिसेलुलर एनिमल को अगर या प्लांट्स को आपने देख लिया माइक्रोस्कोप से, तो इसका मींस है आपने सेल को देख लिया, ठीक है बेटा। तो इसी टाइप से एंटोन वॉन लेवेनहॉक डिस्कवर्ड द लिविंग सेल लाइक बैक्टीरिया स्पर्म सेल्स आरबीसी एक्सेट्रा, ओके। तो ये उन्होंने अपने ही माइक्रोस्कोप से ऐसा किया था, ठीक है बेटा। और इन्होंने जो माइक्रोस्कोप था वो कब डिजाइन किया था, कैन यू टेल मी व्हेन माइक्रोस्कोप डिजाइन्ड बाय द एंटोन वॉन लेवेनहॉक? टेल मी बेटा, एंटोन वॉन लेवेनहॉक ने ये बेटा 1667 में ऐसा किया था। तो बेटा और उन्होंने एक चीज आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, 1683 में उन्होंने सबसे पहली बार 1683 में उन्होंने सबसे पहली बार जो था लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, लेकिन माइक्रोस्कोप उन्होंने 1667 में ही बना दिया था, ठीक है बेटा। लेकिन इससे जो सेल डिस्कवर हुई थी वो 1683 में, ठीक। तो एंटोन वॉन लेवेनहॉक डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग सेल, ओके, पहली लिविंग सेल को एंटोन वॉन लेवेनहॉक ने 1683 में डिस्कवर किया था, क्लियर बेटा। तो ये तो डिस्कवरी से रिलेटेड बात हो गई कि किसने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था।
जैसे जैसे अच्छे माइक्रोस्कोप आते चले गए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो गया था, रस्का ने डिस्कवर इन्वेंट किया था, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसे ही एग्जिस्टेंस में आया, उसकी इन्वेंशन हुई, इसके बाद सेल के अंदर के सभी कंपोनेंट को डिस्कवर कर लिया गया था डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा। ठीक है बेटा, तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द सेल।